मेरे नूरे रत्न, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। प्यारे बच्चों, हेरा नाम की एक नन्ही सी बच्ची अपने अब्बू अम्मी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। तो ईद का त्यौहार आने वाला था और बहुत खुश थी क्योंकि उसे ईद का त्यौहार बहुत अच्छा लगता था। उसे ईद में तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ, नए नए कपड़े खूब उसके मन को भाते और सबसे अच्छा उसको लगता जब उसके पापा ईद के त्यौहार पर उसको ईदी देते थे। उस ईदी से वो अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ खरीदती थी। तो ईद का त्यौहार आने वाला था। हेरा अपने अब्बू से बोली, अब्बू, बोले हाँ बेटा बताओ, वो इस बार जब आप मुझे ईद पर ईदी देंगे मैं उस पैसे से प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगी। उनके अब्बू बोले, ठीक है ले लेना। अब वो खूब खुश खुशी खुशी अगले दिन अपने स्कूल गई। स्कूल में उसकी मैडम पढ़ा रही थी, सब बच्चे तो मन लगा के पढ़ रहे थे और वो बैठी सोच रही थी, वाह मेरी गुड़िया आएगी, मैं उसके लिए फ्रॉक बनाऊंगी, मैं उसके साथ खेलूंगी। मन में तरह तरह की कल्पनाएं कर रही थी और खूब मुस्कुरा रही थी। तब तक उसकी सहेली आई नादिया। नादिया बोली, हेरा हेरा क्यों इतना मुस्कुरा रही हो, क्या हो गया, क्यों इतनी खुश हो? उन्हें अरे नादिया आ गई। हीरा तो नादिया को देखते ही खुश हो गई, बोली तुमको पता है नादिया, मेरी गुड़िया आने वाली है, सुंदर सी, छोटी सी, प्यारी सी। अब नादिया बोली, कहाँ से आने वाली है? बोली तुमको पता है ईद आने वाली है, ईद पे मेरे अब्बू मुझको ईद ही देंगे, मैं उस पैसे से गुड़िया लूँगी। बोली अच्छा। अब हीरा ने नादिया से पूछा, क्यों तुम क्या लोगी? वो बोली मैं कुछ नहीं लूँगी। तो हीरा बोली, क्यों, क्या तुम्हारे अब्बू तुमको ईद ही नहीं देते हैं? बोली देते थे लेकिन इस बार मुझे कोई ईद ही नहीं मिलेगी। अब हीरा ने पूछा, ऐसा क्यों? नादिया बोली, कुछ दिन पहले मेरे अब्बू जो थे वो शहर गए थे काम की तलाश में और आज तक लौटे ही नहीं। मेरी माँ बड़ी मुश्किल से मेरी फीस ही देती हैं, मुझे कहाँ से ईदी मिलेगी, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब हेरा का मन नादिया की बात सुन करके बहुत उदास हो गया। कई दिन तक वो गुमसुम रही। कुछ दिनों बाद ईद आई। जैसे ईद आई हीरा का दिल तो खुशी से खिल उठा। ईद के दिन सुबह सुबह नए कपड़े पहनकर वो अपनी मम्मी के पास पहुंच गई और बोली, अम्मी जान मैं भी आपकी कुछ मदद करूं पकवान बनाने में। उसकी अम्मी बोली, ना बिल्कुल नहीं, जाओ जाके तुम खेलो, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुमको कहीं जल वल जाओगी तो परेशानी होगी, जाओ खेलो जा करके। तब तक उसने देखा सामने से उसके अब्बू चले आ रहे थे, अख्तर जी आ रहे थे। जैसे हीरा ने अपने अब्बू को देखा, कहा, अब्बू अब्बू अब्बू। उसके अब्बू खुश हो गए, अब्बू जान गए, अच्छा अच्छा इसको ईदी चाहिए। उन्होंने दौड़ के हीरा को गोदी ले लिया, उसको प्यार किया और जेब से अब निकाली ईदी पैसा और उसको दे दिया, लो पैसा पाकर खुश हो गई। बोली, अम्मी जान हम अब्बू के साथ गुड़िया लेने जाएंगी। उनके अब्बू बोले, चलो अभी चलते हैं, चलो पहले चल के मैं तुमको गुड़िया ले देता हूँ। अब अब्बू और हेरा दोनों बाज़ार की तरफ चल पड़े। पूरा बाज़ार ईद की वजह से खूब सजा हुआ था, नए नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, खिलौने, भरमार लगी थी वहाँ पर। तो हीरा देख देख के खूब खुश हो
अब हीरा अपने अब्बू के साथ एक खूब बड़ी सी दुकान में पहुंच गई। उसने बहुत ध्यान से इधर उधर देखा, तो उसे एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया पसंद आई और वो बोली, अंकल जी मुझे वो वाली गुड़िया चाहिए। दुकानदार ने उसे गुड़िया दे दी। खुश होकर वो गुड़िया लेकर अपने अब्बू के साथ घर आने लगी। जब वो घर लौटने लगी तो अंधेरा होने लगा था। उसने देखा सबके घर रोशनी से जगमगा रहे थे, सबके घर में खूब रौनक थी, लेकिन उसके घर के सामने ही एक ऐसा घर था जहाँ कोई चहल पहल नहीं थी, एकदम अंधेरा था, कोई रौनक नहीं। उसकी निगाह जैसे उस पर पड़ी उसको ध्यान आ गया, उसका तो कलेजा ऊपर नीचे होने लगा, वो बहुत उदास हो गई, एकदम रुआसी हो गई। उसके अबू ने देखा, अरे मेरी हीरा तो एकदम उदास हो गई। बोले, क्या हुआ हीरा? बोली, अब कुछ नहीं हुआ। बोले, चलो अच्छा, घर गई। घर जाके उसने अपने अब्बू अम्मी को सारी बात बताई। शाम का समय था, रात होने वाली थी। अचानक नादिया के घर में दस्तक हुई तो नादिया की दादी और नादिया की मम्मी एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी, और जो नादिया थी खिड़की से बाहर सबके घरों को देख रही थी और ईद का आनंद ले रही थी चुपचाप, किसी से ना कुछ बोलना ना डोलना। तो फिर दरवाजा खटखटाया, किसी ने खट। उसकी अम्मी और दादी बोले, भला कौन आ सकता है हमारे घर? हमारे घर तो कोई नहीं आता। तब तक नादिया गई, उसने दौड़ के कुंडी खोली और बोली, अरे हीरा तुम आई हो? बोली, हाँ। उसने दरवाज़ा खोला, देखा उसके हीरा के मम्मी पापा खूब बड़े बड़े थाल में पकवान लिए खड़े हुए थे। वो आओ अंदर आओ, अंदर बुलाया, और जो उनके घर में चारपाई पड़ी हुई थी उस पर उन्होंने उस थाल को रख दिया और कुछ दूसरी तरफ कपड़े रख दिए। अब नादिया की मम्मी दादी जान को और दादी जान नादिया की मम्मी को आश्चर्य देखे, हम तो इनको जानते भी नहीं, ये कैसे आ गए? तो नादिया बोली, अरे तुम ईद के दिन मेरे घर में कैसे आ गई? उन्होंने कहा, हम तो तुम सबके साथ ईद मनाने आए हैं। अब हीरा के मम्मी पापा ने दादी जान को अस्सलाम वालेकुम किया, आदाब किया, उसकी अम्मी से उसकी मम्मी गले मिली और बोली, आपको ईद मुबारक हो। तब तक हीरा की मम्मी बोली, चलो सब लोग ईद मनाएंगे, सब लोग साथ में मिलकर पकवान खाएंगे। उसकी मम्मी बहुत सारी चीज़ें बनाकर लाई थी, सब ने मिलकर खाया। कहा, देखो हम आपके लिए कपड़े भी लेकर आए हैं। वो आश्चर्यचकित रह गई। तब तक जो हीरा के अब्बू थे वो पूरे घर का निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे। अचानक उनकी निगाह एक दीवार पर पड़ी। वो बोले, अरे ये तो तैयब भाई हैं, इनको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो नादिया बोली, हाँ ये मेरे अब्बू हैं, ये काम ढूंढने शहर में गए थे, आज तक लौटे ही नहीं। बोला, अरे इसको मैं जानता हूँ, ये हमारे शहर के अस्पताल में भर्ती हैं, सरकारी अस्पताल में, मैंने इनको देखा था। अब तो चपके चेहरे पर खुशी छा गई, सबने कहा, चलो चलते हैं तैयब भाई जान को लाने के लिए। अब हीरा की मम्मी पापा और नादिया की दादी और अम्मी जान नादिया सब लोग मिलकर चले गए अस्पताल। अस्पताल से उनके अब्बू को लेकर घर में आए, सब ने खूब खुशी ईद मनाई। उसके बाद कुछ दिन नादिया के पापा का इलाज चला और वो ठीक हो गए। बस सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। जब हंसी खुशी रहने लगे, उससे पहले जा रहे थे ना, तो नादिया ने हीरा की तरफ देखा। हीरा ने क्या किया,
चुपके से गिफ्ट निकाला और नादिया को दे दिया। लो नादिया, इसमें तुम्हारे लिए मैं गुड़िया पैक करा के लाई हूँ, लो। अब हीरा की मम्मी पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि हमारी बच्ची कितनी अच्छी है। जिस गिफ्ट के लिए इसने सालों सपना देखा, वो गिफ्ट कितनी खुशी खुशी इसने दूसरे को दे दिया। तो उसकी इस देने की आदत को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसके अब्बू ने पूछा, हीरा बेटा, तुमने अपना गिफ्ट नादिया को क्यों दे दिया? बोली, अब्बू अम्मी जान, आप ही तो कहते हैं ईद खुशियों का त्यौहार है, ईद तो बांटने का त्यौहार है, ईद तो देने का त्यौहार है। तो इसीलिए मैंने भी नादिया को ईदी दी थी कि लो नादिया अपनी ईदी। और नादिया ईदी पाकर बहुत खुश हो गई। तो मेरे लाडलो, आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और भाई, सबको ईद मुबारक हो, सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ सबको